अस्सलामुअलैकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर। चिकन से मोहब्बत करने वालों के लिए KFC मशहूर फास्ट फूड है। जब भी हम फ्राइड चिकन विंग्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में फौरी तौर पर KFC का नाम आता है। KFC की दिलचस्प कहानी है, कामयाबी के पीछे भी एक नाकाबिले यकीन कहानी है और बानी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। KFC का आगाज एक शख्स कर्नल हॉलैंड सैंडर्स के खून पसीने और आंसुओं से हुआ। 1890 में वो पैदा हुए। इसने महज 9 साल की उम्र में खाना पकाने का अपना शौक दरियाफ्त किया। एक ऐसा शख्स जिसने मेहनत, हिम्मत और खुद इरादियत की कदर की। इसने छठी जमात में स्कूल छोड़ दिया ताकि अपनी माँ, भाई और बहन के लिए पैसे कमा सके, क्योंकि वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। फ्राइड चिकन के बानी कर्नल हॉलैंड सैंडर्स ने किया, लेकिन इसने अपनी नाकामियों को ले लिया और सिर्फ बल्कि एक बिजनेस आइकून ही नहीं बनाया, बल्कि इसने दुनिया को एक बेहतरीन जगह बना दिया। KFC के कर्नल सैंडर्स की मुतासिर कुन जिंदगी की कहानी। सैंडर्स 1890 में यानी कि अमेरिका में पैदा हुए। जब वो 6 साल के थे तो इसके वालिद का इंतकाल हो गया था। सैंडर्स को खाने पकाने का बहुत ज्यादा शौक था। इसने स्कूल छोड़ दिया और इसने फार्म हेड के तौर पर काम करने के लिए घर से निकला। 16 साल की उम्र में इसने रियासतहाए मुतहद्दा की फौज में भर्ती होने के लिए अपनी उम्र का झूठ बोला। एक साल बाद बाइज्जत तौर पर फारिग होने के बाद इसने रेलवे में एक मजदूर के तौर पर भी काम किया। तहम एक साथी के साथ लड़ाई की वजह से इसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसने रेलवे में काम किया। इसने कानून की तालीम बाद में हासिल की, यहाँ तक कि इसने एक ऐसी लड़ाई में पढ़कर अपनी कानूनी कैरियर को भी बर्बाद कर दिया। सैंडर्स को मजबूर किया गया कि वो अपनी माँ के साथ वापस चला जाए और लाइफ इंश्योरेंस बेचने वाली नौकरी हासिल करे। इसे ला की नौकरी से भी निकाल दिया गया, लेकिन ये आदमी हिम्मत नहीं हारा। इसी तरह 1920 में इसने फेरी बोट कंपनी के बुनियाद रखी। बाद में इसने अपने फेरी बोट के कारोबार में सिर्फ एक लैम्प मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने की कोशिश की। गरीब आदमी ब्रेक नहीं पकड़ सका। अभी 40 साल की उम्र नहीं हुई थी कि इसने एक सर्विस स्टेशन में चिकन डिशेस बेचना शुरू कर दी। जब इसने अपने खाने की तशहीर शुरू की तो एक मुद मुकाबिल के साथ झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में फायरिंग के तबादला जानलेवा हो गया। 4 साल बाद इसने म्यूटल खरीदा जो इसके रेस्टोरेंट के साथ जलकर खाकस्तर हो गया था। फिर भी इस पुरजम आदमी ने एक नया मोटल दोबारा बनाया और चलाया, यहाँ तक कि दूसरी जंग अजीम ने इसे बंद करने पर मजबूर कर दिया। जंग के बाद इसने अपने रेस्टोरेंट को फ्रेंचाइज करने की कोशिश की। बार इसको 1009 बार मुतर्द कर दिया गया। इससे पहले कि कोई इसे कबूल करे, सैंडर्स की खुफिया तरकीब को फ्राइड चिकन के नाम से तैयार किया गया और ये तेजी से हिट हो गया। तहम तेजी से भरता हुआ रेस्टोरेंट इस वक्त खराब हो गया। जब करीब ही एक इंटरस्टेट खुला तो सैंडर्स ने इसे बेच दिया और KFC फ्रेंचाइज को फैलाने और पूरे मुल्क में KFC के कारकुनों की खिदमत हासिल करने के अपने ख्वाब को पूरा किया। बरसों की नाकामियों, बदकिस्मतियों के बाद सैंडर्स ने आखिरकार एक बड़ा मार्का मार ही लिया। KFC ने बैन अल-अक़वामी सतह पर तोसी की और इसने अपनी कंपनी को $20 लाख में फरोख्त किया। आज भी सैंडर्स KFC की ब्रांडिंग में मरकजी हैसियत रखते हैं और इनका चेहरा अब भी उन लोगों में नजर आता है। इसका बिखरा सफेद सूट और वेस्टर्न स्ट्रिंग टाई पूरी दुनिया में मजेदार कैंट्री फ्राइड चिकन की अलामत है। 90 साल की उम्र में सैंडर्स को नमूनिया से इंतकाल हो गया। इस वक्त 48 ममालिक में KFC की तकरीबन 60,000 मकामात है। 2013 से 118 ममालिक में एक अंदाजे के मुताबिक 18,000 KFC मकामात थे। कर्नल हॉलैंड सैंडर्स की कहानी को हमेशा याद रखें। इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने मुसलसल नाकामियों के बाद ही कामयाबी हासिल की। इसने दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन्स में एक बनाई। जी तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन KFC के फाउंडर के बारे में, जिनको हज़ारों मुश्किल आते हैं लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और कभी हार नहीं मानी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।